discuss an example. Okay. S9 plus hai. Okay. S10 plus aaya. आ गया लॉन्च हो गया, बुक भी कर दिया मैंने. अगर अपन बुक नहीं करेंगे तो कैसा होगा यार, सैमसंग वाला रिसर्च कैसे करेगा. ओके लेकिन बात छोड़ते हैं, अलग करते हैं. ओके S10 plus आया मार्केट में, लेट अस्यूम. ओके मेरे को सोच समझ के बताइए, शुड आई परचेस? बजट इज नॉट ए कंस्ट्रेंट. 10 स्टूडेंट ठीक है. बजट इज नॉट ए कंस्ट्रेंट. ओके बजट इज नॉट ए कंस्ट्रेंट, वो तो ये इधर गया, बाकी किधर का कैलकुलेशन को तो मेरे तो क्या निशन नहीं है. बजट इज नॉट ए कंस्ट्रेंट. अब मेरे को बताओ, शुड आई परचेस और नॉट? S9 है मेरे पास, S9 प्लस है, S10 मार्केट में आया, S10 प्लस आया. ओके शुड आई परचेस? मैंने किया नहीं किया उसका पॉइंट डिस्कशन मत करो, लेकिन मैं आपको बताऊं बजट नहीं, बजट का प्रॉब्लम नहीं है. ओके शुड आई परचेस? सामने की So my friend is telling me, sir, if your requirements are already getting fulfilled in your S9 plus, then why you are going with S10 plus? यही है ना, मैंने इंग्लिश में बोला बस. तूने भी इंग्लिश में बोला वैसे, पर तेरी इंग्लिश इंडियन इंग्लिश, माय इंग्लिश हवाई इंग्लिश. ओके आई डोंट थिंक यू अंडरस्टूड व्हाट ही इज सेइंग. या मैन ही इज सेइंग सर, अब मैं हिंदी में बोल रहा हूं. ओके ये बोल रहा है सर, S10 में प्लस में आप देख लीजिए, S9 प्लस में सारी चीजें मिल रही है, काहे के लिए S10 प्लस को इन्वेस्ट कर रहे हो? यही कहना हो रहा. ओके मेरे को बताओ, शुड यू स्टे विद अपडेटेड विद टेक्नोलॉजी? ये भी डायलॉग मारते ना अपन, तो फिर क्या आपने ये बड़बड़ कर बोलना मत, दिमाग का दही मत करना. तुम ये भी बड़बड़ करते, यू शुड ऑलवेज स्टे अपडेटेड विद. तो फिर अब मेरे को बताओ, S10 प्लस इज अपडेटेड और S9 प्लस इज अपडेटेड? अनडाउटफुली. अरे अनडाउटफुली बॉस, तुमने मेरे को बोला ना, मेरे को बताओ तुम लोग ऐसा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? ओके नहीं भी बोलते हो, बोलता है तू, बस खत्म कर. ओके ऐसा बोलता है ना? अरे बोलते, कॉमन एलिमेंट है यार. घर वाले अगर बाई चांस मोबाइल नहीं यूज करते होंगे तो क्या समझाता तू? अरे यार अपडेट करो फोन यार, तुम कैसा फोन यूज करते? पापा मम्मी को तो भी तो बोलते हैं ना. अरे बोलते हैं जनरेशन गैप रहे, आता ही पापा मम्मी को बोलते ही है. ओके ऐसे ही होएगा. ओके मेरी बेटी बड़ी होगी, बोलेगी बापू कैसा फोन यूज करता, उसको मालूम थोड़ा ना उसका बापू भी तोड़े. बाहर अपन घर पे तो अपने को वैसा ही रहना पड़ता ना, तो भाई शांति से ऐसा. हाँ भाई. ओके तो अब मेरा क्वेश्चन ये आया, शुड आई परचेज S10 plus 1 और नॉट S10 plus? ओके दो तीन बोल रहे ले लो सर, पैसा आपका, मेरा क्या जा रहा है? हमारा क्या जा रहा है सर, दिमाग क्या खराब कर रहे हैं? तुमको लेना है लो, नहीं लेना मत लो, माकदम साला तुम जानो ना. अरे लेकिन मेरे को सवाल पूछना है, तुम मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर हो. ये तो नो बोल रहा है, तो क्या रहे नो से कुछ मैं तेरे को क्या बोल रहा, मतलब वी शुड नॉट स्टे अपडेटेड विद टेक्नोलॉजी? बहुत बड़ा इंग्लिश बोला, मेरे को समझा नहीं लेकिन कहानी है. ओके बट नेवरदेलेस आई डू थिंक वो कंक्लूडिंग पॉइंट है. ओके समझ में आया होगा. ओके ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है. ओके पॉइंट समझने की कोशिश करो. ये बोल रहा है सर, S10 प्लस लेने के बाद आप देखिए आपको एडिशनल रिक्वायरमेंट बेनिफिट्स कुछ है क्या? अपडेट रहना है मेरे को मालूम पड़ा, लेकिन आपके एडिशनल रिक्वायरमेंट कुछ बिजनेस की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही क्या? आप ये प्रैक्टिकली समझो, ये पॉइंट सबसे पहले बिजनेस में दिमाग में डालो तुम्हारे. ओके मालिक, इट इज नॉट अबाउट अपडेटिंग योरसेल्फ विद अ टेक्नोलॉजी, इट इज योर बिजनेस रिक्वायरमेंट. इफ इट इज अ बिजनेस रिक्वायरमेंट देन इन्वेस्ट, इफ इट इज नॉट डोंट इन्वेस्ट. बिकॉज इफ देयर इज नो रिक्वायरमेंट यू इन्वेस्ट, द इन्वेस्टमेंट इज वेस्टेज. अरे साला तुमने सीपीटी लिया था तो तुम ओरम था नहीं, यस आने वाला है तो सीपीटी पढ़ रहे थे तभी यस की बात क्यों नहीं कर रहे? आना तो था ना ईआईएस में, मतलब आना तो था ही ना भाई, इंटरमीडिएट में तो आना ही था, तभी भी ईआईएस था ना. तो जब सीपीटी दे रहा था, सीए फाउंडेशन दे रहा था, व्हाटएवर इट में भी, ईगो हट मत करना. ओके नहीं वो कोई कोई ईगो तेरी, तो साले सीपीटी नहीं दिया, सीए फाउंडेशन देके मैं आया. इट्स ओके यार, तूने अब्बा डब्बा जय माता दी नहीं किया होगा, डिपेंड ऑन सीनारियो. तो ये कोई भी सीए फाउंडेशन वाला होगा, सीए मतलब अपने लिए सीपीटी और सीए फाउंडेशन एक जैसा. ओके डिस्कशन में क्वालिटी में यू डिफरेंट हो सकता है, बट हमारे लिए अभी तेरी क्वालिटी एक ही है, ईएस नहीं आ रहा है. तेरी क्वालिटी तो एक ही है ना भाई, अभी तू इधर बैठा हुआ, तेरा क्वालिटी क्या है अभी? ये नहीं आ रहा है, इसलिए तो अपन डिस्कशन में आ रहे हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये है, मेरे को बताते जब वो एग्जाम दे रहा था तभी तेरे को मालूम था ना तू इंटर में आने वाला है? अब बोले मत, नहीं मालूम ही नहीं था मेरे को, मैं तो पास हो गया. ओके जय माता दी ए, जय माता दी बी, ऐसा किया ऐसा बड़बड़ मत कर. मेरा क्वेश्चन है, अगर तू उस टाइम पे बैठता मेरी बैच तो भी तेरे को मेरी वैल्यू नहीं रहती. ओके आज तेरे को वैल्यू है नहीं मालूम नहीं मेरे को, लेकिन है. ओके
तेरे को ऐसा वैल्यू है, तेरे को बैठने का सीरियसनेस है, तेरे को बैठने का सीरियसनेस है, छुट्टी मारने के पहले दो बार सोचेगा तू। ओके अभी यही तू 1.5 साल पहले करता जब तू सीए फाउंडेशन में था या सीपीटी में था और तेरे को घर वाले ने बोला भाई बेटा शादी है आजा 2 दिन की छुट्टी मार ले, चलो आगे पढ़ना है ना, आज किधर क्या है, आज तेरे को किसी ने बोला 2 दिन छुट्टी मार ले, ओके चलो ही बोलने का, ये सब होते रहता क्लास, शादी वापस नहीं होती ना उसकी। अरे बहुत जरूरी है, अगर किसी ने बुलाया ना तुमको जाने का, ये वापस आगे पीछे हो सकता है, सर कुछ भी अरेंजमेंट करो मेरे को मालूम नहीं, बस उधर शादी में जाना जरूरी, बात खत्म। वो वापस शादी करेगा क्या तेरे लिए? नहीं ना भाई, हो गया ना शादी का खर्चा, हो गया एक बार, और एक बार के बाद वो बर्बाद हो चुका, तो तूने क्या करने का, क्या अटेंड करने का? वेडिंग क्लासेस चलते रहते हैं, तेरा क्लास का खत्म होने वाला है तेरा क्लास, तू सोचे ना क्या तेरी जिंदगी सी है, तू देख अरे तेरे माँ बाप ने मतलब कितना मम्मी पापा ने उल्लू बनाया रे अपने को। अरे तू सच्ची में कभी कभी याद कर, मेरे को आज भी याद है, मेरे बापू ने मेरे को ये बोला बेटा 10th कर ले लाइफ सेट है, 10th किया रे बाबू ने, 1 साल और 12th कर ले लाइफ सेट है। ओके 12th भी किया, ओके मेहनत और कर ले बोला, फिर बाद में बोला और 1 साल और 1 साल, साला पूरी जिंदगी तुमने मेहनत करवा दी। ओके इससे अच्छा अभी मेरे को प्रैक्टिकली बोलो, मेरे को यहां पर कितने जन होंगे जिनको 10th में ओके 90+ मिला होगा, बहुत सारे जन होंगे 90+ वाले होंगे, 90+ 95 90, किसी को अगर 89.28 मिला होगा ना ऐसा रोया होगा, अरे 90 अरे 90 ऐसा रोया होगा वो 10th में, फिर बाद में 12th में ये 90 मिला ना 12th में तू 90 वापस ये, ओके आज सारे के सारे एक क्लास में बैठे जिसमें 50% फोकस कर रहे, टारगेट कितना है भाई, अभी किसी का टारगेट है कि भाई 90% एनीबडी 94 फोकसिंग ऑन 90, इवन ए रैंक होल्डर डज नॉट इमेजिन फॉर 90। आगे अरे प्रैक्टिकली हो गया, तो इससे अच्छा तूने क्या किया होता 10th और 12th में भी 50 ही लाया होता ना रे, कम से कम कंसिस्टेंसी तो होती। अभी तेरा परसेंटेज देखना कैसे आ रहे, 90 88 और सीधा 50 आ रहे, कोई भी बोले इतना घटिया परफॉर्मेंस, मेरा परफॉर्मेंस है कंसिस्टेंसी, दिस इज व्हाट वी कॉल कंसिस्टेंसी ना, ये कंसिस्टेंसी रख लीजिए, एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं ना, उससे अच्छा फिर 10th और 12th में मजे क्यों होते, इसीलिए मैं तेरे को बता रहा हूं, अभी तू बोला होगा तू आईसीए इंटरमीडिएट हो जा भाई लाइफ सेट है, कुछ नहीं होने वाला, फाइनल में वापस मेहनत है, फिर पब्लिक बोलेगी फाइनल मेहनत कर ले लाइफ सेट है मेरे को देख ले। ओके भाई नहीं है भाई, लाइफ कभी सेट नहीं है, तू ये जो मेहनत करना ना, ये सारे एफर्ट्स यू आर डूइंग ओनली फॉर दैट वन डे व्हेन योर रिजल्ट्स इज डिक्लेयर्ड पॉजिटिव, एंड दैट टाइम वो एक दिन तेरे को ऐसा आसमान में हवा उड़ा रहा था, अरे वहां कसम चार्टर्ड ऐसा होएगा। ओके तीसरे दिन बाद नौकरी का क्या करे, तीसरे दिन बाद तेरे को भाई बहुत सारे इंपैक्ट आएंगे, 2-3 दिन तेरी लाइफ जो होगी ना वो बेस्ट होगी। तो आज मुझे पूछेगा सर आपके बेस्ट दिन क्या है लाइफ के, ओके अब मेरे को किधर याद है क्या किधर क्या किया, लेकिन डेफिनेटली सीए फाइनल का रिजल्ट याद है, सीए फाउंडेशन का रिजल्ट याद है, ओके क्या हुआ था, बाकी सुनना दिन याद है, कौन सा क्लास किधर मैं किससे मिला ऐसा बहुत याद नहीं, जो रिमार्केबल चीज होती है ना वो याद होती है। तो देखो लाइफ में 20 साल के बाद तो मेमोरी चाहिए ना रे, तो 20 साल के बाद मेमोरी बनाने के लिए ये काम कर रहा था, और तेरी लाइफ सेट होने वाली है बेवकूफी है, ओके और उसके हिसाब से तू पढ़ रहा होगा तो और भी झंडू है तू, कुछ नहीं है बस ये पॉइंट है, और तू बोलेगा सर आई नीड टू स्टे इन सोसाइटी, ओके तो क्या बीकॉम पास वाला सोसाइटी में खड़ा नहीं रहता, रहता ना, अपने अपने हिसाब से पॉइंट है, पॉइंट ये समझो आप क्यों कर रहे हो, आपका इमेजिनेशन क्या है, पॉइंट योर ऑल एफर्ट्स इट इज नॉट फॉर योर लाइफ सेट, लाइफ सेट के एफर्ट्स तेरे को सीए बनने के बाद मालूम पड़ते हैं, ओके और मैं तेरे को उस दिन परसों फ्राइडे को भी क्लियर किया भाई, अगर तेरे बाप लक्ष्मी माता है तो फिर तू सबसे बड़ा बेवकूफ है भाई, बेवकूफ है पागल, तू तो बहुत बड़े बड़ा वर्ड बोल रहा, उसका रिसेंबल वर्ड यूज कर, अरे बेवकूफ पागल और बेवकूफ में बहुत फर्क होता है, पागल करार जो दिया जाता है वो वहां के हाँ कोर्ट से दिया जाता है, यू आर ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ओके कोर्ट है कह रहे तू, लेकिन अपन बोलते हैं तो इट्स एन इंडिविजुअल ओपिनियन, ओके बीच में पर पॉइंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, प्लीज टू अंडरस्टैंड, ओके मैं किधर था वैसे, मैं क्या पढ़ा किधर रहा था, ईआरपी भी नहीं फोन, फोन पे थे बे, ओके इन्वेस्ट इन्वेस्ट जब करना प्लीज अंडरस्टैंड, मैं वो होता है कभी कभी मैं जाता ना भाई किधर तो जाएगा अंदर, ऐसा क्या गड़बड़ पाप किया कि मैं इधर से उधर गया, तो ठीक है ना यार जा सकता है यार इंसान है, ठीक है यार
तू भी चला गया था किधर? अच्छा तू भी चला गया था, अच्छा ठीक है तू भी गया था यार, स्वीट मेमोरी ऑफ टेंथ। हाँ क्या परसेंटेज कितना भारी था ना उस टाइम पे, कितना इम्पैक्ट हो रहा था। आज देखो ना क्या है, अभी तो एग्जाम आने दे, एक्चुअल फटने की तब मन पड़ती। हाँ क्या टेंथ में और ट्वेल्थ में तो कुछ भी नहीं, ट्वेल्थ तो टेंथ और ट्वेल्थ तो हैंडल आराम से हो गया। एग्जामिनेशन के पहले ना सर तेरे को ऐसा सब फीलिंग आता इधर, अभी कुछ नहीं आता। ऐसा दो दिन पहले लगे कुछ नहीं आ रहा मेरे को, कुछ नहीं आ रहा, मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। ऐसा तू रिएक्ट करेगा, और अगर ऐसा रिएक्ट किया मतलब तू सही है, इसका मतलब सब आ रहा है। बस खाली इतना है कि वो रिएक्शन प्रोसेस है। जो मैं बोल रहा था कि दिस इज डिफरेंस बिटवीन एक्चुअली, मतलब दो तीन पांच मिनट का जोक है वो, पर लेकिन लॉजिक है। दिस इज डिफरेंस बिटवीन एमबीए एंड सीए। ओके आप इमेजिन करो चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड एमबीए। ओके अगर कंपेयर करें तो डेफिनेटली आई कैन बेट ऑन दिस, द एमबीए विच इज हैविंग ए नॉलेज एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट विच इज हैविंग ए नॉलेज इज मच मच मोर डिफरेंस। ओके डिफरेंशिएटेड, सीए इज हैविंग मस्ट वास्ट नॉलेज, मच वास्ट नॉलेज रेदर देन एमबीए। लेकिन इफ आई डिस्कस विद कम्युनिकेशन, इट इज एमबीए हुज कम्युनिकेशन इज टोड इफेक्टिव। लॉजिक भी है, तुम्हें पांच साल ये सिखाया जा रहा है पढ़ो सालो, उधर पांच साल सिखाया जा रहा है ओके अपने आपको कैसे बेचो। तुम्हें अपने आपको बेचना ही नहीं आएगा। तुम जैसे ही सीए बनोगे ना, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा, इंटरव्यू में पूछा ओके हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग ए सैलरी, तेरे दिमाग में आएगा साला कितना मांगू। तू बोलेगा 2 लाख मांगा, 5 लाख मांगा, 5 लाख मांगा, 10 लाख देने को रेडी था तो वो ओके 10 लाख मांगा, उसने बोला तेरी औकात देख बे। ऐसा सब डिस्कशन आएगा ना, तेरे 2 सेकंड तो तू ही डरेगा, अरे क्या बोलूं सर, क्या बोलना क्या नहीं बोलना, वो कुछ पूछा क्या पूछेगा वो। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अपना। अपना क्या प्रॉब्लम, नॉलेज बहुत है, नॉलेज बहुत है, लेकिन इंटरेक्शन नहीं जमता भाई। किसी ने कुछ बोला नहीं जमता ओके, कुछ बोला इंटरेक्शन नहीं बोला सबके साथ नहीं जमता भाई। पब्लिक मीटिंग नो, आई कैन डिस्कस, आई नो एवरीथिंग, बट डिस्कस इंडिविजुअली, इससे ज्यादा अपने को नहीं झिकता। ये एमबीए को इधर खड़ा रहकर 10 मिनट बड़बड़ करने बोलो, 1 घंटा खींच लेगा तेरा। ये पॉइंट है, वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस। पांच साल क्या सीखता रे, यही तो सीखता, ही कैन सेल हिमसेल्फ, एंड दैट इज हाउ द एडवर्टाइजिंग आर डन। मतलब एक्चुअल में रहकर मैंने एक चीज समझी, तुम एडवर्टाइजिंग नोट करना कभी, कितना इमोशनल टच दिया जाता है। सारा एडवर्टाइजिंग देखो, एक एक एड एड देखो, एक एक, आई डोंट नो हाउ मेनी आर अवेयर अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ एचयूएल। ओके लाइफ बॉय गोल्ड इज एचयूएल का प्रोडक्ट, लक्स इज एचयूएल का प्रोडक्ट, डव इज एचयूएल का प्रोडक्ट, पियर इज एचयूएल का प्रोडक्ट। ओके हिंदुस्तान लेवल के प्रोडक्ट्स हैं ये सारे के सारे। ओके आप इमेजिन करो, प्रैक्टिकली सोचो ओके यानी अब देखो, हाँ मां कसम से तुम ऐड देखो, हाँ ऐड कैसा कम्युनिकेट किया जाता है। जब डव साबुन लगाया जाता है, इधर डव लगाया, इधर दूसरा साबुन, 7 दिन के बाद या ओके अरे मां कसम इधर लक्सी तो लगाया था तो समझा पॉइंट। ओके वो ये बोल रहा है ओके भाई, लाइफ बॉय गोल्ड की बात करे तो वो क्या बोलेगा, वो देख डॉक्टर आता है, एक बच्चा सोया हुआ रहता है, बोलता है यार बीमार पड़ गया ओके भाई, उसका बापू रहता है, वो बोलता है ये नहाया नहीं क्या, डॉक्टर पूछता है नहाया नहीं क्या, बोले नहाया, 2 ढक्कन एंटीसेप्टिक ओके, फिर साबुन देखता है, बोले ये साबुन से नहाएगा तो ऐसे ही होगा ना, लाइफ बॉय गोल्ड जंतु को मारे। अरे मां कसम वो अंदर अंडा ही पड़ा था, अभी तुमने बोला सौंदर्य का ध्यान दो, अभी जंतु पे आ गए, फिर बाद में पियर्स आते हैं, बोले ठंडी में यही साबुन यूज करना चाहिए। अरे मां कसम क्या पागल आदमी है, यानी साला मेरे को बता मेरे बाथरूम में 4 सूटकेस रखूं मैं, यानी साला मतलब मैं एक डव रखूंगा, एक लक्स रखूंगा, लक्स की एड देख, सौंदर्य का साबुन लक्स ओके, निर्मा वाला कॉन्सेप्ट वैसे ही हो ओके, साला एक रहेगा प्योर्स, एक रहेगा डव, एक रहेगा लक्स, एक रहेगा लाइफ बॉय, लाइफ बॉय बॉडी पे लगाने का ओके, डव गाल पे लगाने का ओके, लक्स देखो ऐसा कुछ जिधर जगह जिधर मिला कान वान पे लगा, और पियर से खाली ऐसा देख हाला नहाते हुए तूने क्या करना मेरे को झेप नहीं रहा साला, और साला कंपनी कौन सी, एक ही कंपनी ना भाई साला, कंपनी एक, तुम लोग कैसा वाट लगा रहे हो। ओके इमेजिन कर, दिस इज व्हाट डन बाय एमबीए, यानी साला मैं, तू इमेजिन करना ओके, तू एक नोट कर, हेल्ड ड्रिंक देख बोरविटा ले, कॉम्प्लेन ले, हर एक हेल्ड ड्रिंक में मां आती रे ओके, तू नोट करना कभी, देखो ओके वो मेरे बेटे को जब मैं हरा दूंगी, मेरे बेटा जब मुझे हरा देगा उस दिन मैं जीत जाऊंगी, याद है क्या ओके, हर एक हेल्ड ड्रिंक में मां दिखती, बाप को फर्क नहीं करे बेटे से, बाप को क्या लगना, बाप बाप बाप, मां बोलती है मेरे बेटे की हाइट बढ़नी चाहिए, मेरे ब्रेन का, बेटे का ब्रेन का विकास होना चाहिए, बाप बोलता नहीं टिंग नहीं रहे साले, बाप बोलता नहीं ब्रेन का विकास चाहिए ही नहीं, नहीं करना इसका ब्रेन का विकास नहीं करना भाई। अरे काई के मतलब तू इमेजिन कर, एड का कॉन्सेप्ट सिंपल है, मां को ऐसा बोला ना तेरे बेटे का ब्रेन का विकास, मां सेंसिटिव नहीं भाई, बाप को बोला तो बाप बोलेगा बचपन से मेरा बिना किसी के विकास हो गया है। Emotions, this is how the things work, this is how the things work, this is how the MBA comes into picture. अपन और टच ही नहीं दे पाते रे,
अपन इमोशनल हो जाते हैं, नहीं सर सारे सारे एक्टिविटी में तू नोट करना, एंड दिस इज हाउ इट हैपेंस। तो मेरे ख्याल से तू देखेगा हर एक एड देख तो कैसा कैसा डिफाइन किया जाता है, हर एक एड का अपना एक स्ट्रक्चर है, और डिफाइन करने वाला कौन साला एमबीए। तेरे को एड बनाने बोलूंगा, तेरा एड ज्यादा ज्यादा क्या होगा, मतलब कंटेंट होगा बेचने का कुछ नहीं होगा कंटेंट होगा। तू बोलेगा ये कंप्लायंस है क्या, वो देख ओके लॉ के हिसाब से प्राइस ज्यादा क्या, देख जीएसटी ऐड कर साला एचयूएल वाला बोलेगा ये ऐड करके सोप बिकने रहा बे ओके तू ऐड में क्या बताएगा, वी हैव एडेड जीएसटी, हां वी आर टेकिंग जीएसटी एट वेरी लोअर कॉस्ट, तेरी साला साबुन को हम लेगा। अरे प्रैक्टिकल अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट का सीन ये रहता है। ओके इसके बाद में एक्चुअल को तो बोले मतलब ये हम लोग भाई हम लोग है ना फॉर्म 23C, हम फॉर्म ये, हम लिस्टेड कंपनी ये, इससे इसका कुछ बिकेगा करे प्रोडक्ट, पर अपन कंप्लायंस की तरफ, लेकिन कंप्लायंस में भी अपन इंटरेक्ट नहीं कर पाते रहे। एंड मैं तेरी गलती में बात नहीं करता, बट दिस इज हाउ इट इज कम। तो ये पॉइंट अपने इंस्टीट्यूट के इसमें, इंस्टीट्यूट के लिए कम्युनिकेशन स्किल निकालती है, लेकिन तू जाएगा सेंटर में तेरे को समझेगा उधर का कम्युनिकेशन कैसा, आधे सेंटर का वही हाल है, आधे सेंटर का, कुछ कुछ सेंटर बहुत भारी है, कुछ कुछ सेंटर में तेरे को बोला जाता जा कंप्यूटर उधर बैठा बैठ ले देख, तेरे को लगता है कंप्यूटर है डब्बा है नहीं तो फेंक डाल साला ऐसा सिनेरियो होता है।